नमस्कार मित्रों, फिर एक बार स्वागत है डीएस स्टडी पढ़ाई चैनल में। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12वीं अवकलज प्रश्नावली 5.4। पहला सवाल लेते हैं, ई के पड़ एक्स बट्टा साइन एक्स, इसको हम लेट वाई मानेंगे, वाई बराबर ई एक्स बट्टा साइन एक्स। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, डी यू बट्टा वी बट्टा डी एक्स अप्लाई करेंगे। जैसे आपका ये यू हो गया और ये आपका वी हो गया, इसी पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका अवकलज करेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष का अवकलन करेंगे। आइए देखते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो जिस प्रकार से उसमें भी को पीछे किया गया, यानी कि साइन एक्स को जो है आपका पीछे करेंगे दोस्तों, उसके बाद ई एक्स को इसका आगे करेंगे, बाई डी एक्स लिख देंगे। माइनस में लिखा है तो माइनस दे देंगे यहाँ पर, यानी यू को पीछे किया है, यानी कि ई एक्स पीछे करेंगे और डी साइन एक्स को आगे कर देंगे। बट्टा डी एक्स और बट्टा वी स्क्वायर दोस्तों होता है, यानी कि साइन एक्स इसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स ई के पावर एक्स का सूत्र दोस्तों, ई के पावर एक्स होता है और ई के पावर एक्स पीछे है, साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स, और बट्टा जो है दोस्तों वी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स होगा दोस्तों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न को जाएंगे दोस्तों। इसका जो है दिया है ई साइन इनवर्स एक्स, इसको हम वाई मानेंगे दोस्तों, लेट वाई इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलज करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा आपका डी साइन इनवर्स एक्स, नीचे आएगा दोस्तों, फिर वह पुनः ऊपर जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों ई के पावर एक्स, इसमें फॉर्मूला लगेगा दोस्तों डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर दोस्तों ई एक्स होता है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक होता है डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स दोस्तों, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/√1 − x², तो ये फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो ई के पावर एक्स यानी कि ई के पावर एक्स यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है दोस्तों लगा देंगे √1 − x², ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। ई एक्स के पावर 3 यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे लेट वाई मान लेते हैं, वाई बराबर ई एक्स के पावर 3, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स के पावर 3, यानी कि इस फॉर्मूले पर जाएगा, इस फॉर्मूले पर जाएगा दोस्तों, यानी कि डी ई के पावर एक्स यानी कि डी एक्स होता है, यानी कि एक्स के पावर 3 नीचे आएगा, यानी दोस्तों पुनः ऊपर जाएगा तो डी एक्स के पावर 3 बटा डी एक्स होगा। तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों ई के पावर एक्स का सूत्र, ई के पावर एक्स होता है दोस्तों और एक्स के पावर एन पर जाएगा, यानी कि एन एक्स एन माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं दोस्तों। साइन टेन इनवर्स ई के पावर एक्स दिया है, तो इसको हम वाई मानेंगे लेट, ये आपका हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई के पावर एक्स होगा दोस्तों। तो इसमें से फॉर्मूला आएगा दोस्तों आपको डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। और फॉर्मूला लगा डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, इसका सूत्र होता है दोस्तों 1 + 1/1 + x²
एक और फॉर्मूला लगा दोस्तों, डी ई कैप और एक्स बट्टा डी एक्स बराबर ई एक्स होता है दोस्तों, एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। आइए देखते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी साइन टेन इनवर्स ई एक्स दोस्तों, तो इसका डी साइन थीटा यानी कि थीटा का स्थान पर है तो ये नीचे आएगा दोस्तों, पुनः जो है इनटू में आएगा, तो ये ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे तो डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स दोस्तों, तो एक्स नीचे आएगा पुनः डी ई कैपिटल एक्स बटा डी एक्स होगा दोस्तों, तो इसका सोल्यूशन आपके सामने होगा दोस्तों। साइन थीटा का अर्थ होता है यहाँ पर फॉर्मूला लगता है कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा यानी कि थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स ई एक्स है दोस्तों आ जाएगा, इंटू है इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ई एक्स का स्क्वायर होगा दोस्तों, और ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या पाँच में चलेंगे दोस्तों, तो ये प्रश्न संख्या पाँच में है दोस्तों, लॉग कॉस ई के पावर एक्स, इसको हम लोग पहले वाई मानेंगे, वाई इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर एक्स दोस्तों, कॉस ई के पावर एक्स होगा दोस्तों, इसमें फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है वन बाई एक्स, यही इसमें फार्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, पुनः इसको हम एक्स के सापेक्ष जो है बनाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी लॉग एक्स यानी कि दोस्तों ई कैप और एक्स बट्टा डी एक्स होता है दोस्तों, एक्स नीचे की तरफ है यानी कि एक्स के स्थान पर यह है आपका कॉस एक्स है नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, पुनः इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो डी कॉस ई एक्स बटा डी ई के पावर एक्स इंटू, पुनः इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स होगा, तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स का सूत्र दोस्तों होता है वन बाई एक्स यानी कि वन बाई कॉस ई के पावर एक्स होगा दोस्तों, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो दोस्तों इसमें होता है माइनस साइन थीटा, तो अप्लाई करेंगे ई के पावर दोस्तों ई के पावर एक्स का सूत्र होता है ई के पावर एक्स यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, प्रश्न संख्या छः, ई के पावर एक्स जोड़ ई के पावर एक्स दो जोड़ जी टू ई एक्स के पावर पाँच, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि दो के बाद तीन चार इस तरह से पाँच, यानी कि हम लोग जैसे लेट वाई मान लेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स जोड़ ई एक्स के पावर दो दोस्तों होगा जोड़ ई एक्स के पावर तीन दोस्तों होगा जोड़ ई एक्स के पावर चार होगा और ये आपका ई एक्स के पावर पाँच होगा, एक्स के सापेक्ष का अवकलज करेंगे हम लोग दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई के पावर एक्स दोस्तों, तो डी एक्स ही होता है इसका, डी ई के पावर एक्स होगा दोस्तों, तो पुनः नीचे की तरफ आएगा तो डी एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये आपका पुनः ऊपर की तरफ जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स होगा, उसी प्रकार से दोस्तों डिटोटो की तरफ डी ई के पावर एक्स डी ई एक्स के पावर पाँच होगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा डी ई के पावर एक्स के पावर पाँच इंटू डी एक्स के पावर पाँच बटा डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये अप्लाई करेंगे तो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई किए थे ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई किए थे दोस्तों जोड़ में है दोस्तों, तो ई के पावर एक्स यहाँ पर होगा आपका एक्स के पावर एन फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आपका टू एक्स होगा जोड़ डिटोटो ई के पावर एक्स के पावर पाँच इंटू पाँच एक्स के पावर चार होगा दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, चार दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका दिया है ई अंडर रूट ई रूट एक्स दोस्तों। तो इसमें हम पहले लेट वाई मानेंगे, वाई इक्वल टू ई रूट एक्स दोस्तों। इसके फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स दोस्तों। ये पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स बराबर इसमें फार्मूला आएगा दोस्तों ई के पावर एक्स, ये अप्लाई करेंगे। इसमें दो ही फार्मूला पर दोस्तों बनाएंगे। तो आइए हम अवकलज करते हैं एक्स के सापेक्ष, अवकलज करते हैं दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट ई रूट एक्स दोस्तों। तो ये बट्टा डी एक्स आता है यानी कि ई रूट एक्स नीचे की तरफ आएगा दोस्तों। पुनः उसको ऊपर ले जाएंगे तो डी ई के पावर रूट एक्स बट्टा में डी एक्स होते हैं यानी कि रूट एक्स नीचे की तरफ आएगा दोस्तों। तो पुनः इसको हम ऊपर की तरफ पुनः डू रूट एक्स हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/2 रूट एक्स, ऐसा कि अभी बताया गया है। तो 1/2 रूट एक्स यानी कि दोस्तों ई रूट एक्स आपका आ जाएगा। ई रूट एक्स का सूत्र दोस्तों वही होगा ई रूट एक्स दोस्तों 1/2 रूट एक्स, इसका आप लोग अप्लाई कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्तों लॉग लॉग एक्स, इसे मात्र एक ही फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स बराबर दोस्तों 1/x होता है। ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसको पहले हम लोग वाई मान लेते हैं दोस्तों। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग एक्स होगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपका ये हो गया डी लॉग एक्स, पुनः एक बार इसको ऊपर की तरफ करेंगे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स होगा। इसका दोस्तों सूत्र होता है 1/x यानी कि 1/x एक्स के स्थान पर है दोस्तों लॉग एक्स होगा। लॉग एक्स का सूत्र होता है 1/x दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों। नवी प्रश्न को दिया है कॉस एक्स बाई लॉग एक्स दोस्तों। तो इसमें हम दो फार्मूला अप्लाई करेंगे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू दोस्तों इसका सूत्र होता है माइनस साइन एक्स, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद अभी ऊपर बताया गया था डी यू बाटा वी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। वाई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, तो ये आपका ये हो गया यू, ये आपका हो गया वी। तो दोस्तों अवकलज हम लोग करेंगे डी वाई बाटा डी एक्स बराबर होगा लॉग एक्स एक बार पीछा करेंगे तो ये आपका डी कॉस एक्स दोस्तों होगा बाई डी एक्स माइनस में होता है दोस्तों कॉस एक्स को एक बार पीछे करेंगे तो डी लॉग एक्स दोस्तों होता है बाई डी एक्स अब बट्टा में वी स्क्वायर होता है दोस्तों यानी कि लॉग एक्स का स्क्वायर हम लोग कर देंगे दोस्तों। फार्मूले बेस्ट हैं, आसानी से बन जाएंगे। लॉग एक्स कॉस का आपका होता है दोस्तों साइन एक्स माइनस में, कॉस एक्स निकाल देंगे लॉग एक्स का दोस्तों होता है 1/x होगा, यह आपका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर दोस्तों। इसको हम बाटा का जोड़ जो है इसको बनाएंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होगा दोस्तों, और ये आपका हो गया एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, दसवीं प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। इसको मान लीजिए वाई हम मान लेते हैं वाई कॉस लॉग एक्स ई एक्स दोस्तों। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे अब कॉलेज करेंगे तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, यानी कि थीटा का स्थान पर उसको नीचे आना पड़ेगा यानी कि डी लॉग एक्स जोड़ ई एक्स दोस्तों होगा। इसके बाद पुनः हम लोग ऊपर इसको करेंगे तो डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स होगा दोस्तों।
पुनः जोड़ डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स होगा दोस्तों। इसका अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि लॉग एक्स जोड़ ई एक्स हो जाएगा दोस्तों। और लॉग एक्स का होता है 1/x दोस्तों, हो जाएगा ई के पावर एक्स का 1/x, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है दोस्तों। इसको एक दो लाइन और बढ़ाएंगे दोस्तों, साइन लॉग एक्स जोड़ ई एक्स बटा का इसको जोड़ बना देंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1+x इंटू ई के पावर एक्स वाई एक्स दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।